जिसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी कैरी करने के लिए मेनली एल्युमिनियम कंडक्टर यूज़ होता है और जो स्टील का कंडक्टर यूज़ होता है वो मेनली मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रहता है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बीच वाला जो कंडक्टर होता है वो स्टील का बना हुआ रहता है और उसके सराउंडिंग में बहुत सारा एलुमिनियम कंडक्टर रहता है यहाँ पे आप लोग जैसे देख सकते हैं बहुत सारा कंडक्टर एक साथ यूज किया जाता है इसलिए इस कंडक्टर को बंडल कंडक्टर भी कहा जाता है इसका यूज मेनली स्कीन इफेक्ट को कम करने के लिए और कंडक्टर का फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने के लिए और यहाँ पे स्टील कंडक्टर यूज करने के कारण एसीएसआर कंडक्टर का मेकेनिकल स्ट्रेंथ भी सिग्निफिकेंट होता है ये स्पेसिफिकेशन समझने के लिए इसको दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे पहले सिक्स बाई वन का मतलब समझ लेंगे फिर वन पॉइंट टू फाइव से क्या डिनोट होता है वो समझ लेते हैं पहले सिक्स बाई वन ए सी एसर कंडक्टर का देख लेते हैं जैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन में देखे थे बीच में स्टील कंडक्टर रहता है और उसके सराउंडिंग में एलुमिनियम कंडक्टर रहता है तो ये सिक्स बाई वन से डिनोट होता है नंबर्स ऑफ स्टील कॉन्डक्टर जो है वो वन है नंबर्स ऑफ़ एलुमिनियम कंडक्टर है सिक्स सिमिलरली सेवेंटी बाई सिक्स एसेसर कंडक्टर में हम लोग देख सकते हैं नंबर्स ऑफ स्टील कंडक्टर है सिक्स और नंबर्स ऑफ एलुमिनियम कंडक्टर है सेवेंटी तो ये जो बिगिनिंग में जो नंबर रहता है वो नंबर्स ऑफ एलुमिनियम कंडक्टर डिनोट करता है और जो बाद में ये सिक्स डिनोट करता है नंबर्स ऑफ स्टील कंडक्टर जो बीच में यूज होता है अब आता है ये वन पॉइंट टू फाइव और ये फोर क्या डिनोट करता है उस पार्ट में इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो ए कंडक्टर का टोटल डायमीटर है वो है 1.25 पॉइंट mm. तो ये जो लास्ट पार्ट है वो कंडक्टर का डायमीटर को डिनोट करता है सिमिलरली 70 बाई सिक्स बाई फोर में डायमीटर क्या होगा 4 एम mm. एम आशा करता हूँ आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और अगर आपको कुछ डाउट है तो कॉमेंट कर सकते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू